57 की माइलेज निकली है, वाह बहुत ही अच्छी माइलेज है। तो 57 की आपके सामने है गाइस, देखो जबकि मैंने टैंक फिल ऊपर तक करा है, 57 की माइलेज निकाल के गई है। ये ऐसे जैसे जो दिखाई दे रहा है ना नीचे को, ये नाले होते हैं एक्चुअल में यहाँ पे। भाई साहब की बाइक ही बंद हो गई, छोटे गियर रखा करो यार। वो जो सीधा रास्ता आया था आपने, जिसका टाइम लैप्स शॉट अभी देखा था म्यूजिक के साथ, वो रास्ता अब ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी और उसके आगे फिर से उतराई चढ़ाई चढ़ती रहेगी और शोक रिवर के साथ हम लोग चलते रहेंगे। काफ़ी लंबा रास्ता था, सीधा रास्ता अच्छी स्पीड से हमने कवर कर लिया। आगे का रोड पता नहीं है कितना अच्छा होगा कितना नहीं होगा, बताते हैं रोड काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन फिर भी वो तो आगे जाकर ही पता लगेगा। अब आ गई फिर से चढ़ाई। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अगर आपको मेरा गाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे गाने आप लोगों के लिए गाता रहूं। तो मिलते हैं, चलते हैं अपनी जर्नी के लिए पेंगोंग लेक की तरफ। बीच में आया है, काफ़ी गंदा पैच, टूटा हुआ रास्ता है, लगता है बन रहा है रास्ता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे, देखो लैंड कैसी है, इस तरह की लैंड है जिसके बीच में से रास्ता निकल रहा है। पीछे पुल का काम भी चला हुआ था क्योंकि वहाँ पे आती थी बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग्स, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जिसके कारण काफ़ी दिक्कत आती थी। अब देखते हैं कब तक ये रोड कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं विज़िट करूँगा तब ये रोड मुझे बना हुआ मिलता है या नहीं। चलो वेट फॉर द टर्मिक रोड अगेन। देखो लोग, कितने लोग काम पे लगे हुए हैं, तो अब रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ी देर थक गए हैं काफ़ी। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है, अंदर तक गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन कपड़े उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर आगे जाके फिर ठंड लगेगी, तो इससे अच्छा है पहने रखो। आखिरकार मिल गया फिर से वो टर्मिक रोड, देखते हैं आगे कितना सही मिलता है कितना ख़राब मिलता है। और यहाँ पे है आगे है एक वाटर क्रॉसिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा ये तो साइड पे है, पानी बीच में से तो मैं निकाल सकता हूँ इजीली। यहाँ पे है वाटर क्रॉसिंग, आराम आराम से निकाल लेते हैं। लगता है यहाँ से पानी ऊपर से काफ़ी निकल कर आता है जिसके कारण ये रोड टूट चुका है। ये देखो रास्ता यहाँ भी ख़राब है, मिट्टी वाला रास्ता है, आराम आराम से चलाओ। इसी के साथ पहुंच गए हैं अगम, और अगम में अगर आप कोई रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये एक छोटा सा ढाबा और एक आगे भी ढाबा है, और यहाँ से खूबसूरत बह रही है एक झरना सा, और यहाँ से श्योक रह गया है 45 किलोमीटर। पेंगोंग की ये वाला रास्ता पेंगोंग को जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला शायद शक्ति को जाता है। और ये आगे खूबसूरत एक एरिया, ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है,
इस पे रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे श्योक रिवर के हम बिल्कुल साथ आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यही आगे जाकर हम श्योक रिवर के बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे श्योक रिवर में कितना पानी है, मैं ज़्यादा देख नहीं सकता क्योंकि रास्ता बड़खाबड़ है और थोड़ा सा अगर सावधानी हटगी तो दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसा मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। आप लोग देखते रहिए, गोप्रो में आपको जोर दिखाई देगा। बिल्कुल देखो पानी आ गया बिल्कुल सामने मोड़ पर, और यहाँ से लैंडस्लाइडिंग होती रहती है छोटे छोटे पत्थरों की। श्योक यहाँ से 40 डुबरुक 58 डुबरुक से ही शक्ति होते हुए लेह के लिए रास्ता जाता है। एक बीच में एक और आएगा जगह, शायद वहाँ से भी रास्ता जाता है। अब श्योक रिवर चली गई है दूसरी तरफ और हम चले गए अलग तरफ। ये जो अगम श्योक वाला रास्ता है पेंगोंग लेक के लिए जाने के लिए, ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के साथ घिरा हुआ है। आप देख ही सकते हो सामने का लैंडस्केप कितना प्यारा लग रहा है, और बीच में से निकलते हुए हम एक छोटे से रास्ते से और एक तरफ श्योक रिवर। ये भी देखिए कितनी प्यारी वैली है। ये रास्ता काफ़ी नैरो और खतरनाक है, बम्पिंग भी है, ज़्यादा तेज भी नहीं चला सकते नहीं तो बाइक भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ये देखो कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे चल ही जा रहा है बस रास्ता ये। लेकिन रास्ता अच्छा बनाया हुआ है, जितना बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, और जो बन रहा है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। देखो जैसे सीधा रास्ता आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। श्योक 37, ये देखिए ये रास्ता कितना खतरनाक वाला रास्ता है, और सामने फंस गए हैं बीचों बीच रोड के। आराम से निकालो, आराम से, धीरे 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 धीरे, हाँ ऐसे। ये देखो रास्ता खतरनाक है, जहाँ पत्थर आते हैं वहाँ बाइक फंस सकती है। आराम से चलाओ, कंट्रोल करके, तेजी बिल्कुल मत दिखाओ यहाँ पर, नहीं तो रिस्की रहेगा ये रास्ता। क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ ये आ गया एक ब्रिज जिससे हम श्योक रिवर को पार करेंगे, और अब हम हो जाएंगे इस श्योक रिवर के लेफ्ट साइड में। ये आ गई श्योक रिवर आपकी। और ये हो गई श्योक रिवर पार। और सामने आ गए ये रेस्टोरेंट टाइप। अगर आपने यहाँ पर कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह लेनी है, कैंटीन बनी हुई है तो आप ले सकते हो, लेकिन हमें तो कैंटीन या रिफ्रेशमेंट नहीं लेनी अभी, अभी हमें निकलना है आगे। आगे जाके थोड़ा वाटर ब्रेक लेंगे फिर निकलेंगे आगे की तरफ को। ये है मेडिकल सुविधा के लिए, कुछ अगर लेना चाहते हो तो किसी को मेडिकल की इमरजेंसी है तो यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे हम श्योक रिवर को क्रॉस करेंगे ब्रिज के ऊपर से। और यहाँ से आ गया है बहुत ही अच्छे लैंडस्केप और ख़तरनाक वाला रास्ता, दोनों पहाड़ों से घिरा हुआ रास्ता जिसमें बीच में से निकलेगी सड़क है। ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे श्योक रिवर में पानी थोड़ा ज़्यादा है। चलो आगे जाके देखते हैं। देखो यहाँ पे बहाव ज़्यादा नज़र आ रहा है मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है या एक्चुअल में ऐसा है,
ये देखो, हाँ बहाव तो तेज है काफ़ी, रास्ता काफ़ी कर्व वाला है। अरे राम राम से निकोर मोड़ काटना पड़ता है। ये देखो पानी कहाँ तक आया हुआ है। इस सारे रूट पे अभी तक मैंने सिर्फ एक ही रिवर ऐसी देखी जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ था, और वो थी सरप रिवर। सच में सरप रिवर का पानी बिल्कुल ब्लू कलर था, जो कि आज हमें पेंगोंग लेक में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा मुझे ऐसी कोई लेक नहीं दिखाई दी जिसमें पानी बहुत ही साफ सुथरा था। शोग रिवर में भी आप देख सकते हो थोड़ा मिट्टी वाला पानी है। यहाँ पे देखो रास्ता क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ घिरा हुआ है। वो पहाड़ देखो कितने खतरनाक लग रहा है, पहाड़ भी देखने में, और कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं रोड के किनारे। ये ऊपर से लैंडस्लाइड हो के आए हुए लग रहा, ये पत्थर लैंडस्लाइड होकर नीचे गिरे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा बम्पिंग है, पता नहीं गोप्रो में शायद पता लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, क्योंकि गोप्रो में हाइपर स्मूथ इनेबल्ड है, जिसके कारण ये जितना भी बम्पिंग वाला एरिया है रास्ता शायद आपको नहीं पता लग पाएगा, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा बम्पी है, जिसके कारण पूरे शरीर में हलचल हो रही है और सांस भी फूल रहा है। ऑक्सीजन लेवल तो चलो है ही कम है सब जगह। सो गाइस, इस लोकेशन पे मैं रुका हुआ था एक छोटे से ब्रेक के लिए, लोकेशन काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो चलो चलते हैं आगे, फिर लेंगे वाटर ब्रेक। यहाँ पे तो पानी पी लिया और पानी हो गया ख़त्म, आगे देखते हैं सही सी जगह में, वहाँ लेते हैं ब्रेक और पीते हैं पानी। पानी यहाँ पर पीते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए पानी आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखता है। लैंडस्केप तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे हैं, देखो सामने क्या प्यारा लैंडस्केप है, पत्थर देखो ऐसे पड़े हुए हैं, खतरनाक वाला थोड़ा फीलिंग दे रहे हैं यहाँ पे। रात में तो डर लगता होगा यहाँ पर इस रास्ते पर। चलते हैं, लैंडस्लाइड एरिया भी है यहाँ पे, ज़्यादा रुकना भी नहीं है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू आया है, और यहाँ से फिर से हम क्रॉस कर जाएंगे शोक रिवर को और पहुँच जाएंगे शोक रिवर के राइट साइड में। वाओ क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, नेचुरली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हो गया फिर से एक ब्रिज पार, और इसी के साथ आ गया ये खतरनाक वाला रास्ता, देख सकते हो कितनी स्टीप उतराई है, और आगे आएगी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। छोटी है या बड़ी है ये तो आगे जाके ही पता लगेगा, लेकिन ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, कितने पत्थर हैं इस रास्ते के ऊपर, बड़े आराम से। अब ये रेत आ गई है, इस रेत पे तो और आराम से चलाना पड़ता है, क्योंकि उतराई में तो ये काफ़ी ख़तरनाक पहुँच जाता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो अगला टायर और स्किड करता है, एबीएस ये इस जगह पे काम नहीं करती है ढंग से, बहुत ही ख़तरनाक वाला रास्ता है सच में। ये सारा वाटर क्रॉसिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे ऊपर से देखो पानी आता है, ये है वो पानी आने वाला रास्ता, देख रहे हो। अभी यहाँ पे देखते हैं ये वाटर क्रॉसिंग कितनी लंबी है और कितनी गहरी है, चलते हैं आराम आराम से ऐसे ही। थोड़ा पानी है या ज़्यादा पानी है, अभी तो पानी कम ही लग रहा है इसमें। कम है पानी इसमें,
और ये धीरे धीरे सड़क से निकालते हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, उस तरफ पानी था। आराम आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, और हो गई क्रॉस। रास्ता बहुत ही खतरनाक है यार, ये कितने पत्थर हैं इस रास्ते में। पूरे स्पीति की फीलिंग आ रही है इस टाइम तो। बादल और छतरू के बीच का रास्ता, वही सारी फीलिंग है ये। आखिरकार क्रॉस होगी, वाटर क्रॉसिंग भी, और ये रास्ता कच्चा खराब वाला भी ख़त्म हो गया। यहाँ से मिल गया फिर से पक्का रास्ता। आराम आराम से चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये श्योक रिवर कितना पास आ गई है रोड के। मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, तो उन वीडियोस में ये श्योक रिवर का पानी इस रोड के ऊपर तक आ गया था। अभी तो मैक्सिमम ग्लेशियर पिघल चुके हैं, लेकिन जैसे अगर हम शाम में आएंगे तो इसमें श्योक रिवर में पानी ज़्यादा होगा, और जब पानी ज़्यादा होगा तो कहाँ आएगा, रोड पे ही आएगा, और कोई तो जगह है नहीं है। ये देखो कितना पानी है इसमें श्योक रिवर में, इसमें काफ़ी तेज़ पानी है, देख रहे हो, ये यहाँ यहाँ तक पानी आया हुआ है ऊपर। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था आपको, रोड तक पानी आ जाता है, और यहाँ पे आया हुआ है लग रहा है रोड पे पानी। और श्योक रहेगा यहाँ से 15, डुरबुक 33। डुरबुक में हम लेंगे जूस ब्रेक, और श्योक में देखते हैं वाटर ब्रेक लेते हैं या नहीं। और यहाँ देखो बहाव कम है, वो पाली साइड है बहाव ज़्यादा दूसरी तरफ को। इस लोकेशन पे भी सड़क सीधी है और लैंडस्केप बहुत प्यारा है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में सड़क, और एक किनारे पे श्योक रिवर। तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ।